नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 24 सितंबर, कल के सेशन में हमने एक बड़ी वॉलिटी के साथ यूएसडीआईएनआर को ट्रेड करते हुए देखा। शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइसेस 73.52 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। इंटरनेशनल में भी हमने देखा डेटा पॉइंट और जो फेड मेंबर्स की स्पीच थी वो कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में सेकेंड वेव ऑफ कोविड का जो कंसर्न बना हुआ है पूरे यूरोप में, उसके चलते भी हमने डॉलर में तेजी आते हुए देखी, यूरो में गिरावट आते हुए देखी। उसी का रिफ्लेक्शन यूएसडी आईएनआर के साथ साथ हमने यूरो आईएनआर और जीबीपी आईएनआर में गिरावट आते हुए देखी। जेपीवाई में भी हमने देखा कि कोविड के साथ साथ गिरावट आती हुई देखी। आज की ओपनिंग की बात करें तो आज अपसाइड ओपनिंग होगा जो 73.75 के करीब यूएसडी आईएनआर की होगी। यूरो में गिरावट रहेगी जो 86 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं पाउंड की अगर बात करें तो प्राइसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाई दी, कल की बड़ी गिरावट के बाद 93.82 के करीब ओपन होता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा पाउंड में अभी भी प्रेशर बना हुआ, जिस ढंग से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने रिवील किया है कि कुछ टाइटनिंग प्रोग्राम हम वर्कआउट करेंगे रेस्ट्रिक्शंस को लेकर, जिसके बाद मार्केट में गिरावट था। बट टेक्निकली 93.50-93.20 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो आज हो सकता है प्राइसेस लोअर लेवल से एक बाउंस करते हुए दिखाई दे। बट ओवरऑल आगे का जो सिनेरियो है वो वीक ही रहने वाला है यूरो पाउंड के लिए, शॉर्ट टर्म जंप हम देख पाएंगे। वहीं डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज जापान से कोर सीपीआई के आंकड़े आने हैं और साथ में मॉनिटरी पॉलिसी के मिनट्स रहने हैं। वहीं यूरो जोन से इकोनॉमी बुलेटिन और बिजनेस क्लाइमेट का डेटा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यूएस से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा जो ड्रॉप दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। वहीं फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच रहेगी और साथ में हम न्यू होम सेल्स का डेटा जो खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन शॉर्ट मॉर्निंग सेशन में हम डॉलर में तेजी देख पाएंगे, बट इवनिंग सेशन में फिर से डॉलर में गिरावट रहेगी, जिसका सीधा सीधा असर पूरे ही कमोडिटी और करेंसी पे मिलता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली अगर चार्ट पे देखें तो डॉलर इंडेक्स करीबन 94.80 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है, अगर ये 94.50 के ऊपर होल्ड होता है तो। अदरवाइज एक चांसेस है प्रॉफिट बुकिंग की। तो आज मॉर्निंग सेशन में डॉलर में तेजी है, बट इवनिंग सेशन में फिर से बिकवाली हावी हो सकती है। वहीं जीबीपी आईएनआर की बात करें तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और जो ब्रेकआउट दे रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है 92.60 से लेकर 90.80 तक का भी लेवल दिखा सकता है। आज थोड़ा भी पुलबैक अगर 94 के करीब मिले तो हमें बेच के काम करना चाहिए, ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में आपको इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट